पुल पे भी हम पता नहीं कितने टाइम बाद आ रहे हैं गाइस, और यहाँ पे आपको पता है कितना प्यारा नाका लगता था पहले भाई। इसको मतलब सीट वगैरह तो भाई राम से यार, क्या हो गया आपको? पुलिस वाले आ जाएंगे यहाँ पे। अच्छा तो भाई पूछना तो चाहिए यार, पूछना तो चाहिए ना कम से कम। मैं नॉर्मली आपको बोला, आप ही लड़ने लग गए हो। क्या बोलता है भाई तू? हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू द चैनल। तो भाई आज व्लॉग फिर से जम्मू से स्टार्ट हो रहा है और मेरा हेयर स्टाइल वापस पुराने वाला ही हो गया, क्योंकि भाई आपको पता है बाल खड़े करने में भाई बहुत मुसीबत आती है। तो इधर मैं सोचा छोड़ो भाई नीचे ही ठीक है, वैसे भी हेलमेट पहना तो हेलमेट में नीचे ही आते हैं बाल। तो अभी निकल रहे भाई व्लॉग के लिए, अंकू भी आ रहा है भाई मेरी एक्चुअली ड्यूक ना अंकू के पास थी, क्योंकि आपको पता है लास्ट वाले व्लॉग में आर कंपनी में दी थी, तो जब हम वापस आए थे वो बाइक ना वहीं थी, मतलब शोरूम बंद हो गया था तो कंपनी में ही रह गई थी बाइक। फिर हमको मेरी ड्यूक लेके गया हुआ था, तो अभी वो मेरी बाइक लेके आ रहा है, शायद वो टेनआर भी लेके आए, पर नहीं दोनों दो दो बाइक कैसे लेके आएगा, बोल रहा था किसी दोस्त को ले आऊँगा साथ, तो वो भी आता है अभी, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ और देखते फिर क्या सीन रहता है भाई आज का। चलेंगे भाई, आज सोच रहे हम वॉर में ही है तो देखते हैं टनल वाली साइड राइड करेंगे या सिटी वाली साइड चलेंगे। जम्मू अब थोड़ा हम भूल गए भाई, वो पुरानी जगहों पर जाएंगे, सिटी में जाते थे भाई, रिएक्शन वगैरह लेंगे, देखते हैं क्या सीन रहता है। वो टनल लेके आए, उसने ब्रेक्स वगैरह भी चेंज करा दिए, अभी मैं उसी का वेट कर रहा हूँ, वो आता है तो फिर निकलता है यहाँ से। अभी मैं आ चुका हूँ भाई आर वे, अभी अंकू कॉल कर रहा था, वो बोल रहा था मैं शॉपर्स के बाहर हूँ, बट यहाँ से तो मुझे दिख नहीं रहा है। मेरी बाइक तो लेके आया है वो, तो इसको यहीं कहीं लगा लेंगे भाई आर को साइड पे, ताकि वो वापसी पे जब हम व्लॉग वगैरह बना के आए उसके बाद इसको घर ले जाए, वैसे इधर ही पड़ी रहेगी, वरना है ऐसे मेरी पड़ी पड़ी दो भाई ख़राब हो गई है, ख़राब नहीं हुई है उनकी हालत ख़राब हो गई है बस। एक तो भाई अभी पता नहीं ड्यूक तो पता नहीं कहाँ कहाँ पहुँचा जा रही है भाई, वैसे यहाँ पे तो है नहीं, मैं कॉल कर लेता हूँ एक बार, किधर है भाई तू? गाइस अभी मैं पीछे रुका हुआ था बट ये रुका ही नहीं है, देखो किसको कॉल लगा रहा है। नमस्ते, क्या ओए सर बिना हेलमेट आया है? नहीं यार बाबा, इसकी क्या हालत कर दी हुई है, इधर लगा लेता हूँ, उसको छोड़ दे, उसको देखूंगा ना। चल ठीक है, आगे लगा गाइस, इसको कहीं साइड पे लगाते हैं, क्या हालत कर दी हुई है भाई इसकी, इस बाइक की तो ऐसी की तैसी हो गई है यार गंद से, कोई ना वॉश करा देंगे, उस पर कहाँ बैठेगा, बैठ। आ चुकी है अपनी ड्यूक अपने हाथों में, ऐसे अंकू के पास ही भाई दो दिन से इसी के पास थी, क्योंकि परसों कल आया था ये, बट कल ये दो बाइक्स लेके आया था इसकी, मतलब आर आर यहीं कंपनी पड़ी थी टेनआर में, इसको ब्रेक्स वगैरह लाने थे तो कल ये टेनआर लेके आया हुआ था, तो इसमें ब्रेक काम वगैरह कराया, फिर मैंने कहा चल आर आर इधर ही छोड़ दे, तो उस वक्त हमें दिमाग में रहा ही नहीं कि भाई ब्लॉग तो टेनआर में बनाना है भाई इसको, वरना कल टेनआर ही छोड़ देता, आज ड्यूक लिया था भाई बेचारे शिवू को साथ ले आया भाई, वह चल कोई नहीं, अब ले आया तो ले आया, ले जाएंगे शाम को भाई दोनों बाइक्स। अभी हम यहाँ से जा रहे हैं भाई घुमट गुल्लू के पास, मैं सोच रहा हूँ ये नाम भी चेंज करवा लूँ अंकू को भाई, बैक लाइट वगैरह टेप करानी थी और भी कुछ कराना है इसमें, मैं चल तू वो करा ले, तो मैं इसी ने कराना था, तो मैं सोच रहा हूँ नाम भी चेंज करा दूँ, कुछ अजीब सा लगता है छोटा सा लिखा दूंगा। जम्मू की हालत देखो भाई, हर जगह रोड तोड़ दी है लगभग, मेरे हिसाब से देखा जाए लखनपुर से लेके आगे उधमपुर से थोड़ा पीछे, मतलब उधमपुर के आसपास तक पूरी रोड तोड़ दी हुई है भाई, 200-300 किलोमीटर है भाई ये कम से कम, लखनपुर से 100 है यहाँ से उधमपुर 200 नहीं, मतलब 150 किलोमीटर 150 किलोमीटर के आसपास पूरा तोड़ दिया भाई इन्होंने। भाई ड्यूक ड्यूक है यार, ड्यूक का कोई मुकाबला नहीं है भाई, कुछ भी बोलो भाई, मैं आरसी भी चला ली, सारी बाइक से चला ली है, बट जो ड्यूक है ना भाई ये अलग ही चीज़ है भाई, वो भी 390, और ये वाली तो कुछ ज़्यादा ही अलग सर फोटो उठा रहे हो कहाँ से, नंबर प्लेट ही नहीं है पीछे सर, ये आप ही के लिए भाई हमने हट उठा दिया, कहाँ से फोटो उठा उठा के भाई पता नहीं कितने चलाना आते हैं। बैंगलोर गए थे भाई हम एक बार, आप सबको तो पता ही है भाई, तो वहाँ पे ना एक बाइक थी हमारे पास 220, उस पर लगभग 32 चलान आए थे, क्योंकि उसकी दोनों नंबर प्लेट्स लगी हुई थी, ऑनलाइन चलान आते उसको पता भी नहीं था भाई, हमें पकड़ा पुलिस और उन्होंने बताया कि भाई 32 चलान है, कोई 16-17 हज़ार बन रहा था भाई वो,
अब उसे शौक हो गया भाई, मैं ऑनलाइन चलान का बड़ा मुसीबत है भाई, ऑनलाइन चलान कब आ जाते हैं पता भी नहीं चलता भाई। इस पुल पे भी हम पता नहीं कितने टाइम बाद आ रहे हैं गाइस, और यहाँ पे आपको पता है कितना प्यारा नाका लगता था पहले भाई, अब तो शायद लगता ही नहीं है, अब नाके ही बंद हो गए हैं। अब तो आजकल जम्मू में वैसे भी भाई कोई नाके वगैरह तो मुझे दिखते नहीं है, मतलब बंद ही हो गए लगने। पहले हर जगह आपको पता था नाके होते थे, यहाँ पे सिद्रा में पीछे बावे चौकी पर हर जगह नाके लगे होते थे पहले, अब तो भाई मुझे दिखते नहीं है कहीं नाके वगैरह। तो ये वाले नाके के साथ हमारे पुराने रिश्ते हैं गाइस, काफ़ी पुराने रिश्ते जुड़े हुए हैं इस नाके के साथ, काफ़ी कुछ हुआ है यहाँ पे। मेरे उतने रिश्ते नहीं जुड़े जितने अंकू के जुड़े हैं भाई यहाँ पे। ऐसे नाका तो नहीं लगा है भाई, पहले इन रोडों पे तो हमारा अलग ही चल रहा होता था भाई, तीन चार बाइक से एक साथ होती थी, सिर्फ रेसें लगती थी भाई हमारी, तो वो दिन भी अलग ही थे भाई। क्या हुआ क्या हुआ? और भैया घूम रहे हो दानू भाई, और कैसे हो, ठीक हो? हुआ क्या? आपको मैंने आवाज दी, आप रुके नहीं, कहाँ पे? इधर पीछे यार, हम थोड़ा सीधे वाली तरफ जा रहे हैं, इधर जा नहीं, कहाँ पे जा, कहाँ घूम रहे हो? राजा भाई के साथ यार सुपर बाइक पे राइड चाहिए, तो राइड देते बट आज मैंने सीट वगैरह नहीं लगाई हुई, आज हम ऐसे ही घूम रहे हैं यार, हम थोड़ा सीटें आए हुए थे बाइक के, कुछ काम करवाना था रेस, तो बाइक का थोड़ा काम करवाना था ना, वहाँ पर भी तो बाइक ही तो मारी, तो हम साइड पर रुके हुए थे, आप कहाँ घूम रहे हो आराम लेके? अरे ऐसे ही आया था मैं भी, मैंने सोचा ब्लॉग मेरा कैमरा वगैरह खराब हो गया ना, तो क्या होगा ना इसको, मतलब सीट वगैरह तो सही आराम से यार, क्यों हो गया तू? अरे यहाँ पे पुलिस वाले आ जाएंगे भाई, भाई राम से यार क्या हो गया आपको, पुलिस वाले आ जाएंगे यहाँ पे, चेक आराम से करो ना, नॉर्मल बाइक थोड़ी है यार, क्या कर रहे हो पागल हो आप यार, पुलिस वाले आ जाएंगे अभी दो मिनट में, ना इसको आगे नंबर प्लेट है ना इसको पीछे, भाई यहाँ पे पुलिस ही पुलिस है, कहाँ सारी जगह पुलिस है, बोरे कहाँ पुलिस वाले आएंगे, तो यार इतना क्यों कर रहे हो, मैंने राइड के लिए बोला वो भी नहीं दी चलो, यार सुनो सुनो सुनो, सीट होती मैं पक्का दे देता आपको यार, सीट होती मैं मना ही नहीं करता, बट आप पूछ के तो थ्रोटल तो भी गियर लगा होता तो बाइक आगे गिर जाती है यार, चलो ठीक है भाई जाओ, भाई कौन है? दोस्त तो बोल, पूछ के तो भाई, अभी गियर लगा होता बाइक गिर जाती है यार इतनी जोर से, यार क्या है आप इतना मतलब गुस्सा क्यों कर रहे हो, क्या हुआ? मैंने आपको कुछ, मैंने खाली आपको ये चीज बोली कि आप तो भाई पूछना तो चाहिए यार, हेलो ले जाओ इसको, कौन है ये, ले जाओ इसको कहीं पे, चेक चुक करो जाके, तू दे दे गियर डाल दे, ये तो पुलिस यहाँ पे चौकी है सामने, चल चल अरे लड़ने लगी, और यहाँ पे सामने पुलिस वाले भी होते हैं, वही सही बात है, वो तो इतना कुछ है यार, राइड की देने में क्या था, अब लड़ने क्यों लगे हो, ये तो बस नॉर्मल बता रहा है आपको, अरे इसने नॉर्मली आपको बोला, आप तो लड़ने लग गए हो भाई, पूछना तो चाहिए यार, पूछना तो चाहिए कम से कम, ये क्या सीन है भाई यार, चल छोड़ चल यार, मेरे को जान बुझ के थोड़ी क्या इतना ये बोल रहे हैं, ऐसे थोड़ी होता है यार, अरे इन्होंने नॉर्मली आपको बोला आप लड़ने लग गए हो, आपकी दोस्त है हमें पूछ रहे हो, दीदी ने नॉर्मली आपको बोला पूछ के दे देते, आपने अचानक होटल दे दिया, चलो छोड़ो नहीं हुआ ठीक है, कैसे हो भैया, ठीक हो? बस बढ़िया भैया, छोड़ना यार, अरे दीदी नॉर्मली बोला उसने आपको, चल नॉर्मली बोला यार उसने, नॉर्मल क्या बोल, चलो आपको
अरे दी उन्होंने नॉर्मली आपको बोला, आप ही लड़ने लग गए हो। क्या बोलता है भाई तू? अरे दी समझाओ भाई, आपकी दोस्त है बोल रहे। ओए अरे जी आप लड़ने लग गए हो यार, चलो हम ही निकलते। नुकसान की बात ही नहीं, उसे नॉर्मली आपको बोला आप लड़ने लग गए। अरे भैया चल भाई, तू भी क्यों हमें मजाक उड़ाने जाता लगता है भाई तू? आज जानू भाई नहीं है साथ ना, वो शादी में बिजी था। चल तुझे पता तू क्यों उंगल क्यों ले करता है? नहीं वो ठीक से बोलता है, पागल हॉस्पिटल चले जाओ। ये भी मेंटल है। ओके भैया बैठ भाई। अरे भी अरे माँ की उंगल पता नहीं क्यों करता है उंगल। अब दीदी दे दे नॉर्मली बोलते हैं पागल हो। ये तो भाई फिर रोज करने में टूट जाता है, मेरे को हंसी आ रही थी और दीदी लड़ने लग गए भाई। मैं दीदी क्यों लड़ रहे हो यार? क्या और अंकू का आपको पता है भाई, ये ना रोज करने लग जाता है फिर वो लड़की और लड़को उनने पता नहीं क्या बोला, इसने आगे से बोल दिया, मेरे को भी सुनाई प्रॉपर दिया नहीं, इसने पता नहीं कुछ हॉस्पिटल बोल दिया, शायद हॉस्पिटल लेके जाओ इसको। लड़की भाई ऑफेंड होगी भाई, क्या मैं तो पागल दिखती हूँ। ओ आंटी छुआई देना चाहिए, ये किस लिए बनाया हुआ है ट्रैफिक वालों ने? ताकि भाई लोग इधर से रोड क्रॉस ना करें, तब भी करने लग जाते हैं। सर इधर है उधर नहीं है, उधर देखने लग जा रहे हो। ओह माय गॉड, ये रोडें कहाँ भूलेंगी भाई हमें, क्या क्या हुआ है हमारे साथ इन रोडों पे भाई। साइड हो जाओ। ओह फक, और ये रोड तो आपको पता ही है भाई, साइड हो जाओ भैया। फिर भूल गया भाई लगाना भाई। फिर मैं राइडिंग, मेरे को आदत सी नहीं ना भाई उतनी भाई राइडिंग जैकेट लगाने की, इसलिए भूल जाता हूँ भाई। बाकी इधर तो ठंड लग रही है भाई, इसलिए याद आई मेरे को, मैं ये बात बता ही देता हूँ आपको भाई। सोचा था भाई आज नगरोटा वाली साइड चले गए मैं और अंकु, बट अब अंधेरा हो गया भाई, पीछे दीदी ने बड़ा टाइम वेस्ट करवा दिया, वो भी हंसी आ रही है भाई। भाई शिमू पीछे बैठा हुआ है भाई, इसको बैठा अंदर अच्छे से आता नहीं, मैं बाइक को हल्का सा उछालता हूँ, ये उससे ज़्यादा उछल जाता है भाई। नगरोटा वाली साइड जाना है? नहीं जाना है उस साइड, अंधेरा हो जाएगा। चल फिर इधर ही वापस ही चलता है यार। ट्रैफिक देख रहे हो भाई, क्या आवाज है, अपनी बाइक का भी पेट्रोल कम हो गया भाई। ओ भाई लग गया था इस साइड गाते, इधर से अंगू था भाई। आज इस तरह में बड़ा ट्रैफिक है, क्या चक्कर है भाई? किस चीज के लिए बैग मारी मैं कहीं
उसको बीच जगह डाल दे, ट्रक वाला डर के इधर काट देगा भाई, इसलिए सेफ राइड गाइस ऑलवेज। भाई ठंड तो लग रही है भाई, अब ठंड आने वाली है भाई। ऐसे तो दिन को बहुत गर्मी लगती है, बट अभी के वक्त मेरे को बहुत ठंड लग रही है। मैं एक टी शर्ट में आया हूँ भाई, और अभी पीछे मैं लीन मारा था ना, मैं बाइक इस साइड टाइम ये शिवु जोर उस साइड दे रहा है, मैं भी क्या हो गया तो देखा था, बड़े टाइम बाद बैठो भाई, डर लग रहा है। अरे भाई अबे जोर क्यों दे रहा है शिवु? क्या कर रहा है, क्यों जोर दे रहा है? तो देख दे, जोर दे जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, जोर दे रहा है भाई को। भाई यार मैं लिटा नहीं कर रहा हूँ, उधर के लिए जोर देता है यार। ठीक है गाइस, ओके भाई, बाय गाइस। अभी आरआर लेके भी चले गए अंकु, सॉरी शिमू ले गया।